दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था कि हाई कोर्ट से बहुत ही सख्त आदेश आए थे मुंबई पुलिस के लिए कि वो सुशांत सर की केस को बहुत ही अच्छी और बारीकी से जांच करे। तो मुंबई पुलिस बहुत ही अच्छी तरीके से जांच करने के लिए फ़िलहाल तो पहुंच गए हैं। और हाँ, दो नए नए खुलासे हुए हैं जिसको मैं आप लोगों के सामने रखूँगा लाइव प्रूफ के साथ। मेरा काम तो वीडियो बनाकर अपलोड करना है और वीडियो को सपोर्ट करना आपका काम है, ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करता हूँ आप उसको शेयर करके सुशांत सर के जितने भी फैन हैं सब तक पहुँचाइए। तो दोस्तों, मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे अपने दिल की बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि कोई एक्टर इतनी मेहनत करके इतने ऊपर तक आता है और बॉलीवुड के कुछ माफिया लोगों ने उसे भी ख़त्म कर दिया। खैर, इतना तो यकीन दिलाता हूँ कि बचेगा कोई नहीं। फिलहाल हम जो कर रहे हैं करते जाना है और सुशांत सर को इंसाफ दिलाकर ही दम लेना है। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। और हाँ, जो भी भाई मेरे चैनल पर नए हैं जाके सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दो ताकि हर नए वीडियो के अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेरे दोस्त को बताना चाहूँगा कि आप हर एक पॉइंट बहुत ही बारीकी और ध्यान से सुने। अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए तो छोटा भाई समझ के माफ़ कर देना यार। तो हमारा पहला पॉइंट है, तो मैंने आपसे बता दिया था कि हाई कोर्ट से जो वार्ड मतलब बहुत ही सख्त आदेश आए थे उसको लेकर अब मुंबई पुलिस बहुत ही अच्छी और बारीकी से जाँच कर रहे हैं। खबर की हम बात करें तो कल संजय लीला भंसाली को पुलिस स्टेशन बुलाया गया था और उससे बहुत ही देर तक पूछताछ की गई थी। समय की हम बात करें तो उसे लगभग 12:30 बजे गए थे और 3:30 बजे वापस आए थे। और मैं आप सबको ये बता दूं कि संजय लीला भंसाली को स्टेशन क्यों बुलाया गया था। दूसरा पॉइंट, संजय लीला भंसाली जो कि उसे पुलिस स्टेशन में बहुत देर तक पूछताछ किया, जो सुशांत सर के 7 मूवी वापस ले लिए गए थे उनमें से 3 मूवी इन्हीं ने वापस लिए थे, जो कि इसका पहला मूवी था बाजीराव मस्तानी और दूसरा गोली मार और तीसरा शायद मुझे याद नहीं आ रहा, जो कि इन्होंने ही सुशांत सर को वो मूवी ऑफर की थी और इन्होंने फिर वो 3 मूवी इनसे वापस ले ली थी। इसी के बारे में शायद पुलिस स्टेशन में पूछताछ किया गया था। पूछताछ की खबर क्लियर नहीं है, जैसे ही क्लियर होगा मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।